जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार अपने कुमार टेक चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं एम्पियर कंपनी के शोरूम में। यहां से मैंने एक एम्पियर मैग्नस EX जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसको परचेज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा शोरूम है, ये ग्वालियर में योगेश एंटरप्राइजेस के नाम से है, ये नाके पर स्थित है और दोस्तों काफ़ी बड़ा शोरूम है। यहाँ पर एम्पियर कंपनी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी मॉडल हैं, सारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटी के मामले में एम्पियर कंपनी इंडिया में चौथे नंबर की कंपनी है। दोस्तों सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ एम्पियर कंपनी की सेल होती हैं और सबसे अधिक सेल होने वाले मॉडल में एम्पियर कंपनी का मैग्नस EX है। दोस्तों सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है आजकल और काफ़ी अच्छा मॉडल है। मैं भी इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और एक गाड़ी और परचेज़ करने के लिए आज शोरूम में आया हुआ। तो दोस्तों गाड़ी परचेज़ करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और हमें क्या क्या देखना पड़ता है गाड़ी लेते समय, गाड़ी के साथ क्या क्या एसेसरीज आती है और क्या क्या मिलता है और उसके क्या क्या हमें करना चाहिए गाड़ी के साथ और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको अपने इस वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर जब हम परचेज कर लेते हैं तो हमें उसके साथ क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कंपनी हमें अपने आप ही बताती है। देखिए दोस्तों एक बोर्ड लगा के रखा हुआ है इन्होंने अपने शोरूम में कि हमें गाड़ी के साथ क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसको चार्जिंग के लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए और गाड़ी वॉश करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, काफ़ी सारी जानकारियाँ हमें इस बोर्ड के ऊपर लिखी मिल जाती। तो दोस्तों इस बोर्ड को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, इसमें जो डूज और डोंट्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक सर्विस देगी और अच्छी चलेगी। दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स भी होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी जो नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी होती है उससे काफ़ी अलग होती है। तो दोस्तों देखिए इस शोरूम में हमें गाड़ी जो मैग्नस EX है उसके सारे मॉडल मिल जाते हैं, सारे कलर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस स्कूटी की बनावट लगभग एक्टिवा की तरह है, इसका साइज़ भी बिल्कुल एक्टिवा की तरह है, इसमें जो स्पेस है वो भी एक्टिवा की तरह है और दोस्तों गाड़ी चलने में बहुत ही स्मूथ है। इसका पिकअप भी अच्छा है, तीन लोग बैठा के दोस्तों आराम से हम राइड कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो गाड़ी के साथ हमें एसेसरीज़ आजकल कंपनी फ्री में दे रही है, एसेसरीज़ के साथ एक हेलमेट भी देती है। दोस्तों फ्री में तो कोई नहीं देता, सारा पैसा इसकी जो मेन प्राइस होती है उसमें जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट ग्वालियर के शोरूम में यह गाड़ी हमें 91,000 की पड़ रही है। दोस्तों गाड़ी का माइलेज 120 किलोमीटर है और इसके अंदर जो बैटरी है वह लिथियम आयन बैटरी है। दोस्तों इसके जो बैटरी का स्पेसिफिकेशन है इस तरह है, बैटरी 60 वोल्ट 38 AH का है जो कि काफ़ी पावरफुल बैटरी है। दोस्तों बैटरी एक बार चार्ज होने में करीब 3 से 4 घंटे का समय लगाती है और लगभग 2 यूनिट बिजली खर्च करती है और एक बार चार्ज होने के बाद गाड़ी हमें 120 किलोमीटर का माइलेज दे देती है। दोस्तों आज के दौर में पेट्रोल की कीमतें हमेशा आसमान छूती हुई जा रही हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का विकल्प बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों आजकल जितनी भी टू व्हीलर स्कूटी वगैरह आ रही हैं वह उनका बॉडी कंप्लीट फाइबर का होता है, फाइबर का होने से ये हल्की होती हैं, हल्की होने से इनका माइलेज भी बढ़ जाता है क्योंकि अगर गाड़ी ज़्यादा भारी होगी तो उसका माइलेज भी कम मिलेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट फाइबर की गाड़ी बनी होती है तो इसमें दोस्तों इसका जो सेफ्टी के लिए इसमें एसेसरीज जो ग्रिल वगैरह लगती है, स्टील की ग्रिल लगती है, उसको लगवाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फाइबर का होने से गाड़ी अगर गिरती है या कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों एसेसरीज लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इस एसेसरीज से गाड़ी की सेफ्टी रहती है और हमारी गाड़ी का लुक भी बहुत ही अच्छा नज़र आता है। तो देखिए दोस्तों ये इसमें कुछ एसेसरीज़ है जो कि बंदा लगा रहा है। जब भी गाड़ी हम परचेज करते हैं पहले दोस्तों ये एसेसरीज़ नहीं लगती थी, हमें अलग से परचेज करके लगानी पड़ती थी, लेकिन अभी कंपनी की तरफ से यह
शोरूम में ही लगाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए गाड़ी का लुक देखिए कितना बढ़िया है। गाड़ी को ऑन करते हैं, ये दोस्तों देखिए गाड़ी का हेडलैम्प है, ये इसका लेफ्ट और राइट इंडिकेटर है। देखिए दोस्तों ये गाड़ी का हेडलाइट है, देखिए दोस्तों इसमें एलईडी लाइट दिया हुआ है, काफ़ी पावरफुल लाइट है, दूर तक जाती है। ये देखिए दोस्तों ये इसका लेफ्ट इंडिकेटर है, इंडिकेटर हैलोजन टाइप में दिया हुआ है। इसका एक हमारा मीटर के पास भी इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी का इंडिकेटर ऑन है। दोस्तों देखिए गाड़ी का लुक बहुत ही बढ़िया है, इसमें DRL लाइट भी दिया हुआ है, LED लाइट दिया हुआ है। जैसे हम इसका गाड़ी का चाबी से ऑन करते हैं तो यह जलना शुरू हो जाता है। इधर ही दोस्तों इसका इग्निशन स्विच भी दिया हुआ है, इसके बाद इसका जो मोड स्विच है वह भी दिया हुआ है। ये इसका इग्निशन स्विच है, जैसे ही हम इग्निशन स्विच प्रेस करते हैं तो इसका ये LED ग्रीन LED जल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है हमारी गाड़ी चलने के लिए तैयार है। दोस्तों ये दोस्तों इसका जो चार्जिंग है वो इंडिकेटर है, हमारा गाड़ी कितना चार्ज है। यह इसका मोड स्विच है, लो मोड हाई मोड। लो मोड में यहाँ पर एक नंबर शो करेगा और हाई मोड में दो नंबर शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा हमारी गाड़ी लो में चल रही है या हाई में चल रही है। तो दोस्तों गाड़ी लो मोड में अगर हम चलाते हैं तो ये 30 का स्पीड देती है हमें, और हाई मोड में चलाते हैं तो ये हमें 53 का स्पीड देती है दोस्तों। तो गाड़ी का स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। यह दोस्तों इसका एक चार्जर है, जो कि हमारी जो 60 वोल्ट 38 का बैटरी जो इसमें लगा हुआ है उसको चार्ज करता है दोस्तों। यह चार्जर हमें 4 से 5 घंटे में हमारी गाड़ी को चार्ज कर देता है दोस्तों। दोस्तों इसमें डिटेचेबल बैटरी भी लगी है, जो लिथियम आयन बैटरी है, इसको हम बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं और गाड़ी में लगे लगे भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों गाड़ी सीट के अंदर का स्पेस देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। इसके अंदर एक बड़ा सा हेलमेट हम आसानी से कैरी कर सकते हैं और काफ़ी सामान भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ इसके एसेसरीज़ में इसका जो साइड मिरर होते हैं, लेफ्ट राइट के जो मिरर होते हैं वह लगे होते हैं। इसके अंदर एक लाइट है दोस्तों, देखिए रात के समय अगर हम डिग्गी में से कुछ निकालते हैं तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है, काफ़ी पावरफुल लाइट है। ये इसका MC भी दिया हुआ है, जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए हमेशा काम आता है। यह इसका टूल किट है दोस्तों, इसमें कई तरह के टूल दिए हुए हैं जो कि गाड़ी में हमेशा रखने चाहिए। यह इसका मेडिकल किट दिया हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों इसके अंदर नीचे इसके अंदर जो बैटरी इसकी रहती है उसके इसका लॉक का की है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो हमारा बैटरी लगा हुआ है वह 60 वोल्ट 38 AH का बैटरी है, और यह फ्लैट में लगा रहता है दोस्तों, लेटा हुआ रहता है। ये देखिए दोस्तों 60 वोल्ट 38 AH का इसमें लिखा भी हुआ है। ये काफ़ी पावरफुल बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, और यह 7 से 8 किलो के आसपास इसका वजन होता है दोस्तों। इसको हम बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं और गाड़ी में लगे लगे भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये कवर के नीचे बंद हो गया है, और यह इसका सीट के नीचे का स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है इसके सीट के नीचे। तो दोस्तों पहले जब हम गाड़ी परचेज करते थे जो मैग्नस प्रो आती थी, एक मैग्नस प्रो है जो कि मैंने 1 साल पहले लिया था, उसके अंदर जो हमारा सेंटर लॉकिंग सिस्टम है वह लगा हुआ आता था, लेकिन अभी कंपनी इसको अलग से देती है, इसको हमें फिट करना पड़ता है। तो जब भी हम गाड़ी शोरूम से परचेज कराएं तो यह इसको ज़रूर हम लगवाएं। ये देखिए दोस्तों इसका सेंटर लॉक सिस्टम है, ये कंप्लीट रेडी रहता है। इसको सिर्फ हमने सीट के नीचे जो हमारा जो कंट्रोलर लगा रहता है उसके कुछ सॉकेट छोड़े हुए रहते हैं, उसमें फिट कर देना होता है। इसमें कोई वायर वगैरह कट नहीं करना पड़ता है, सॉकेट के थ्रू इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों इसके साथ 2 रिमोट की भी मिलती हैं, जो कि हमारी गाड़ी की सेफ्टी के लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। इसमें सेंटर लॉकिंग सिस्टम लग जाता है, इसमें कई तरह के फंक्शन होते हैं, 3-4 फंक्शन होते हैं। जैसे गाड़ी हमारा कहीं भीड़ में खड़ा हुआ और हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसमें
एक स्विच रहता है उसको प्रेस कर देते हैं तो गाड़ी का हमारा सायरन बजने लगता है, तो हमें गाड़ी का लोकेशन पता चल जाता है और गाड़ी लॉक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह एक फ्रंट में एक बोतल रखने के लिए जगह दी हुई है, बोतल या कुछ भी सामान कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर एक USB चार्जर भी दिया हुआ है। यह चार्जर हमें अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए काफ़ी काम में आता है और इसमें हम अपना मोबाइल रख के भी चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बंदा हमारा जो सेंटर लॉकिंग सिस्टम है उसको लगा रहा है, इसको लगाने के लिए जो सीट के नीचे जो हमारा कंट्रोलर लगा रहता है उसको ओपन करेगा, फिर वहाँ पर इसको सेट करेगा। दोस्तों जब भी हम अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने जाते हैं तो हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए गाड़ी का कंडीशन कैसा है, कोई डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं है, कहीं स्क्रैच तो नहीं है। इसके बाद फिर गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको चेक कर लेना चाहिए, गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी का की लगा के प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए, गाड़ी के सारे फंक्शन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, और बैटरी हमारा चार्ज है या नहीं है, चार्ज पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। हमें शोरूम में ही चार्जर लगा के एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमारा बैटरी का चार्जर भी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें ध्यान रखने से हम अपना गाड़ी ठीक से परचेज कर पाएंगे और हमारी गाड़ी में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगा रहा है, ये दोस्तों नीचे इसका सीट के नीचे एक कंट्रोलर लगा रहता है, जो कि कंट्रोलर कंप्लीट गाड़ी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिकल रहती है, इसके अंदर कंट्रोलर का ही मेन रोल होता है। हर एक पार्ट्स को वोल्टेज सप्लाई करता है कंट्रोलर, जो हमारा व्हील होता है, जो हब मोटर होती है उसको सप्लाई कंट्रोलर के थ्रू जाती है, इंडिकेटर, हेडलाइट, सेंटर लॉकिंग, ये सारे चीज़ें कंट्रोलर के थ्रू ही कंट्रोल रहती हैं। कंट्रोलर दोस्तों गाड़ी का मेन पार्ट्स होता है, अगर कंट्रोलर में प्रॉब्लम होने से हमारी गाड़ी बंद हो सकती है। तो दोस्तों इसका हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ये दोस्तों देखिए, कंप्लीट इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वायरिंग है। तो दोस्तों जब भी हम गाड़ी को वॉश करते हैं तो हमें ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें गाड़ी जब वॉश करते हैं तो इसका सबसे पहले तो MCB डाउन कर देना चाहिए, जो कि सीट के अंदर जो MCV रहता है, जो इसकी प्रोटेक्शन के रहता है लिए रहता है, उसको हमने डाउन कर देना चाहिए। और जो हाई प्रेशर जो वॉशिंग मशीन होती है, जो कंप्रेशर रहते हैं, उनसे हमें बिल्कुल नहीं धुलवाना चाहिए। दोस्तों अगर हमने गाड़ी को अपनी साफ़ सफाई करना है या सर्विसिंग करना है तो कम प्रेशर वाले जो कंप्रेशर होते हैं उनसे ही धुलवाना चाहिए, या फिर अपने घर में ही अपने नल के पाइप से इसको धीरे धीरे धो लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिकल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं अगर उसमें पानी चला जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों इन्हीं बातों को अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी गाड़ी में दोस्तों बैटरी पावरफुल बैटरी होती है, अगर बैटरी के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ या आपके सिस्टम के अंदर कंट्रोलर के अंदर शॉर्ट सिस्टम हुआ तो गाड़ी में काफ़ी बड़ा नुकसान, गाड़ी में आग भी लग सकता है, बैटरी डैमेज हो सकती है, कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो दोस्तों देखिए, ये इसका सेंटर लॉकिंग सिस्टम है, अगर हम गाड़ी को सेंटर लॉक कर देते हैं तो हमारे गाड़ी का जो पीछे का व्हील है वो जाम हो जाता है, कोई भी इसको ले जा नहीं सकता और इसका अलार्म बजना भी शुरू। तो दोस्तों लगभग हमारा गाड़ी तैयार हो गया है। अभी इसमें जो हमारे बैक मिरर होते हैं, जो लेफ़्ट राइट हैंडल के ऊपर लगाए जाते हैं, वह लगेंगे। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये एक बॉक्स के अंदर पैक होके आते हैं, जो लेफ़्ट और राइट के जो मिरर होते हैं जो हैंडल के ऊपर लगाए जाते हैं वह लगेंगे। तो दोस्तों गाड़ी हमारा जब लो मोड में रहता है तो हमें गाड़ी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 30 का माइलेज 30 का स्पीड पकड़ता है, और जब हाई मोड में होता है 53 के आसपास
हमें स्पीड देता है। तो दोस्तों देखिए, मैं इसको खड़े खड़े आपको चेक करके बताऊंगा। गाड़ी हमारा हाई मोड में है और 53 के आसपास गाड़ी पहुंच रहा है। तो दोस्तों गाड़ी हमारा चाहे हम खड़े में चलाएं उसको, चाहे इसको इस पर हम बैठ के चलाएं, गाड़ी जैसा हमें अभी दिखा रहा है वैसा ही हमें रोड पर भी दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये शोरूम का एक ऑफिस है, यहाँ पर गाड़ी का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो दोस्तों गाड़ी हाई स्पीड गाड़ी है, तो दोस्तों गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और बीमा दोनों चीज़ ही हमें करवाना पड़ता है, जिससे हमारी गाड़ी की भी सेफ्टी रहती है। तो दोस्तों देखिए, कंपनी की तरफ से एक स्टड्स का हेलमेट भी साथ में दिया जा रहा है एसेसरीज़ के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा हेलमेट है। ये काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि हेलमेट होना गाड़ी के साथ बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों देखिए, गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है हमारी और हैंडओवर हमें की जा रही है। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।